नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्या मार्केट गुरुकुल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को लॉकडाउन में ट्रेड कैसे करें, लॉकडाउन में कौन से सेटअप्स इनके अंदर हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, उन सेटअप्स को कैसे ट्रेड करें और ट्रेडिंग फॉर लिविंग इन लॉकडाउन, मतलब लिविंग के लिए ट्रेडिंग कैसे करें लॉकडाउन में, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं बोल दूं कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड अगेन उस सब्सक्रिप्शन का यदि स्क्रीनशॉट आप ये दिए गए नंबर पे भेजते हो सो वी विल सेंड यू द बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी का हैंडबुक, राइट? सो बी फास्ट एंड रिजर्व यूर कॉपी। सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल टॉपिक। सो बिफोर स्टार्टिंग दोस्तों, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। हमारा जो मोस्ट अवेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम है कंप्लीट प्राइस एक्शन, तो वो स्टार्ट होने वाला है 8 May 2020 से। जैसे आप जानते हो दोस्तों कि प्राइस एक्शन के जो प्रिंसिपल्स है दे आर ग्लोबली एक्सेप्टेड। आप कौन से टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सो सारी की सारी चीजें मतलब यू विल यूटिलाइज विथ द प्राइस एक्शन। अगेन मतलब कि आप मतलब इक्विटी में ट्रेडिंग करते हो, जैसे फिर उसमें कैश फ्यूचर्स ऑप्शंस या कमोडिटी में करते हो या फिर फॉरेक्स में करते हो, सभी जगह द प्रिंसिपल ऑफ प्राइस एक्शन रिमेन सेम। एंड मतलब हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके उसमें आपको अराउंड 32-35 आवर्स के लाइव सेशन हम लोग लेते हैं ऑन वेबिनार। आपको उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, आपको लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाता है ऑफ द ट्रेडिंग कम्युनिटी, जहां लाइक माइंडेड पीपल है, दे आर पैशनेट अबाउट ट्रेडिंग, दे आर मतलब कि ईगर टू लर्न एंड राइट नो दे आर कंसिस्टेंटली अर्निंग फ्रॉम द मार्केट ऑल्सो। तो ऐसे लोगों का आपको वहां पे सपोर्ट, आपका इंक्लूजन वो कम्युनिटी में होता है फॉर लाइफ टाइम। अगेन रेगुलर मतलब डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं हमारे ऑन एवरी संडे, कोई पेमेंट उसके लिए आपको उन सेशंस के लिए नहीं करना होता है, सारा का सारा इसी के अंदर इंक्लूडेड है। आपको अगेन उसके बाद मतलब लाइव मार्केट में ट्रेडिंग सेशंस भी आपको मिलते हैं, सो दैट इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट कि जो सीखा है उसे प्रैक्टिकली अप्लाई इन अ लाइव मार्केट कैसे करें, तो वो भी एक बड़ी चीज आपको यहाँ पे मिलती है। अगेन आपको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट मिलता है एंड नॉलेज यहाँ पे हमारा मतलब वी बिलीव इन नॉलेज शेयरिंग, तो लाइफ टाइम के लिए आपको इन सारी चीजों में इंक्लूजन किया जाता है। सो इट इज वर्थ ऑफ मतलब कि प्रोग्राम कॉस्ट ऑफ 12,999 मतलब 13,000 है। सो यू मे अगेन पे इट इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में भी कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द गुड अचीवमेंट फॉर यू पीपल। एंड अगेन अभी तो ऑलमोस्ट मतलब जैसे अनाउंस किया है तो अनाउंसमेंट के बाद ऑलमोस्ट अभी सीट्स पैक होने को है, क्योंकि मतलब बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आपके एंड से आया है, सो थैंक यू फॉर दैट। सो चलिए लेट्स कंटिन्यू विथ अवर टॉपिक। सो दोस्तों, इन टर्म्स ऑफ न्यूज पिछला हफ्ता कैसा रहा है, तो जैसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का क्रिसिस हुआ है इन लास्ट वीक, उन्होंने अपने 6 बड़े जो म्यूचुअल फंड्स है उन फंड्स को कंप्लीटली क्लोज कर दिया है, राइट? सो मतलब दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस, जो फियर आया है मार्केट में एंड जो मतलब कि मार्केट का अब्रप्ट बिहेवियर दिखाया है, वियर्ड बिहेवियर दिखाया है मार्केट ने इन लास्ट कपल ऑफ डेज, तो ड्यू टू दैट मतलब कि इन लोगों को भी जो प्रेशर था ड्यू टू दैट उनको अपने 6 म्यूचुअल फंड कंप्लीटली क्लोज करने पड़े। सो ड्यू टू दैट आप देख सकते हो उनका कॉर्पस कम हुआ है बाय 16,800 करोड़ रुपीज। तो इतना कॉर्पस उनका इसके वजह से कम हुआ है और अभी वो रिड्यूस होके 30,800 करोड़ तक आके पहुंचा है। तो अभी जिन लोगों ने मतलब कि इनमें इन 6 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो उनके साथ अभी क्या होगा, इवेंचुअली उनको पूरा का पूरा मतलब जो है वो पेमेंट मिल जाएगा क्या, तो इतना आसान वो नहीं रहेगा। सारा का सारा उसका रिकवरी आएगा, वो क्या कितना रिकवर हुआ है, क्या चल रहा है अकॉर्डिंगली, वो फंड में अभी कितना फंड है, सो अकॉर्डिंग टू दैट सारे लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट होगा विथ टाइम,
राइट, या फिर वो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या करते हैं, सो वो देखना अहम होगा। तो क्या अभी जो क्रिसिस जैसे देखा गया है, मतलब फ्रैंकलिन टेम्पलटन के साथ, सो ऐसा एक क्रिसिस 2015 में भी आया था, जब उन्होंने जिंदाल स्टील के अंदर मतलब जिंदाल स्टील के जो बॉन्ड्स है, उन बॉन्ड्स के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया था, और सबसे बड़ा इन्वेस्टर उन बॉन्ड के अंदर फ्रैंकलिन टेम्पलटन ही था, लेकिन उसके अंदर भी उनको मतलब कुछ लॉस हुआ था। सो ड्यू टू दैट लॉस उन्होंने उसमें से मतलब कि एग्जिट ले ली थी मार्च 2016, ओके, लेकिन उन्होंने कोई अपना ऐसा फंड तब क्लोज नहीं किया था। अभी यहाँ का जो चीज है वो काफी बड़ा है, बड़ा क्रिसिस है, और उन्हें अपना ये जो फंड है वो फंड क्लोज करना पड़ा है, राइट। अगेन इंडिया के अंदर क्या ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है क्या? तो इंडिया के अंदर जो निपॉन म्यूचुअल फंड था, उन्होंने भी अराउंड मतलब कि पास्ट में 2500 करोड़ रुपीज का लॉस मतलब कि दिखाया था, दे हैव शोन दैट लॉस, सो ड्यू टू दैट उन्हें भी मतलब कि क्रिसिस का सामना करना पड़ा था। सो ये मार्केट फियर, ये जो फियर फैक्टर है, काफी बढ़ चुका है ड्यू टू दैट, इतना मतलब क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है फ्रैंकलिन टेम्पलटन के, तो इनको अपने म्यूचुअल फंड्स मतलब कंप्लीटली शट डाउन करने पड़े, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज इन लास्ट वीक। सो दोस्तों, ऐसे हम लोग ये जो न्यूज है, ये न्यूज यहाँ पे क्यों दिखाते हैं आपको, सो आप अपडेटेड रहे पीछे क्या हुआ है, और मतलब आपका जो लर्निंग कर्व है वो लर्निंग कर्व हमेशा बढ़ता रहे। ऐसा नहीं है कि ये हम लोग न्यूज रीडिंग कर रहे हैं, दिस इज द पार्ट कि आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज बढ़े और चीजें और क्लियरली आपके सामने आए। सो दैट्स व्हाई हम लोग ऐसी चीजें करते हैं, आपको पहले बोलते हैं, फिर आपको वो भी समझ में आएगा कि धीरे धीरे मार्केट पे इनका इम्पैक्ट क्या है। हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करने के टाइम कोई भी न्यूज हम लोगों को नहीं देखना होता है, राइट। ओनली एंड ओनली चार्ट्स पे ही हम लोगों को ट्रेड करना होता है, बिहेवियर ऑफ द चार्ट्स, कोई भी न्यूज हो, पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज, तो वो हम लोगों को चार्ट्स के ऊपर ही दिखनी चाहिए, राइट। सो दैट्स व्हाई वो सारी चीजें चार्ट्स पर दिखती है, बट द थिंग इज दैट कि हमारा नॉलेज भी एक लेवल पे जाना चाहिए, और एक लेवल से फिर नेक्स्ट लेवल पे भी जाना चाहिए। दैट्स व्हाई ये सारी चीजों में हम लोग कोशिश आपके लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही ये क्रिसिस हुआ, तो क्रिसिस होते ही आरबीआई सामने आया टू हेल्प द म्यूचुअल फंड्स, टू हेल्प द मार्केट फॉर लिक्विडिटी। तो आरबीआई ने भी अपना 50,000 करोड़ रुपीस का स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी अनाउंस की है फॉर म्यूचुअल फंड। तो क्यों की है आरबीआई ने ये? तो मार्केट में लिक्विडिटी लाने के लिए और म्यूचुअल फंड्स को हेल्प करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल पीपल के अंदर जो है फियर फैक्टर बहुत बढ़ चुका है। सो दैट्स व्हाई आरबीआई को सामने आना पड़ा, और एक उनका ये बहुत ही अच्छा कदम है। तो मतलब जैसे ही ये न्यूज आया, तो कुछ जो म्यूचुअल फंड्स है, उन म्यूचुअल फंड्स में काफी बढ़िया गेन उनके अंदर बहुत दिनों बाद देखने को मिला है। हाँ, लेकिन कुछ एनालिस्ट का ऐसा भी कहना है कि थोड़ा ये मतलब जो पैकेज अनाउंस हुआ, या जो ये लिक्विडिटी स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी म्यूचुअल फंड्स के लिए अनाउंस हुई, तो फ्रैंकलिन टेम्पलटन के लिए ये समवॉट थोड़ा लेट हुआ है, राइट। लेकिन लेट हुआ है, बट स्टिल आरबीआई का बहुत बढ़िया कदम टू ब्रिंग द लिक्विडिटी इन मार्केट, राइट। अगेन दोस्तों, मतलब जो लास्ट वीक है, लास्ट वीक में दो रिजल्ट्स आए, बैंकिंग रिजल्ट्स, जैसे इंडस इंडिया बैंक का रिजल्ट आया, उनका प्रॉफिट जो है, उन्होंने दे हैव शोन द प्रॉफिट ऑफ 302 करोड़ रुपीस, और लेकिन ये जो प्रॉफिट है, इट हैज फॉलन बाय 77%। एंड अगेन जो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक ने भी जो है अपना लॉस यहाँ पे रिपोर्ट किया है अराउंड 1500 करोड़ रुपीज। सो वो भी मतलब कि उन न्यूज का भी इम्पैक्ट मार्केट में आ सकता है, राइट। अगेन रिलायंस का रिजल्ट आया है, रिलायंस ने भी अपना जो एडजस्टेड प्रॉफिट है, वो एडजस्टेड प्रॉफिट अराउंड मतलब 10,800 करोड़ रुपीज का यहाँ पे शो किया है। दिस इज एडजस्टेड प्रॉफिट, आई थिंक एक्चुअल प्रॉफिट अराउंड 5,000 to 6,000 प्लस करोड़ रुपीज उनका आया है रिलायंस का,
राइट। और जैसे दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो मतलब इंसानों की जान के लिए भी खतरा बना हुआ है, वैसे ही कोरोना वायरस एक खतरा सारी जगह पे इकोनॉमी को भी मतलब इकोनॉमी के लिए भी बना है। सो इट्स अ वायरस दैट इज अटैकिंग ऑन टू डिफरेंट थिंग्स, एक है ह्यूमन बीइंग, एक और दूसरा जो है दैट इज इकोनॉमी, राइट। सो सारे जो है मतलब जैसे आरबीआई इकोनॉमी के चलते हेल्प करने के लिए सामने आया, वैसे यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने जो मतलब दे आर हेल्पिंग टू देयर कंट्री, जैसे उन्हें पता है कि यूएस की जो इकोनॉमी है फर्स्ट क्वार्टर की वो इकोनॉमी को काफी बड़ा यहाँ पे मतलब कि बड़ा अटैक हुआ है उसके ऊपर ड्यू टू कोरोना वायरस, तो उन्होंने भी अपने जो रेट्स है सो वो रेट्स नियर जीरो कर दिए हैं। तो वो चाहते हैं मतलब कि जितना ज्यादा वो इकोनॉमी को हेल्प करे उतनी हेल्प उनके एंड से वो करने के लिए तैयार है। सो दिस इज व्हाई कि मतलब दिस इंस्टीट्यूशंस और ये जो सारी चीजें ये आगे क्यों आ रही है, टू हेल्प द मार्केट, लिक्विडिटी भी रहे, प्लस जो मतलब कि इकोनॉमी है वो इकोनॉमी अभी धीरे धीरे स्टेबल हो, स्टेबल इकोनॉमी के बाद मतलब उसके अंदर और बढ़िया चेंजेस और ज्यादा उनके अंदर आ सके, तो इनके लिए सारे हेल्प्स यहाँ पे हो रहे हैं। अगेन दोस्तों लास्ट हफ्ते में एक बढ़िया न्यूज मतलब सामने आई है, जैसे लास्ट 36 इयर्स में पहली बार ये चीज हुई है कि अपने इंडिया के अंदर जो पावर डिमांड है वो रिड्यूस हुआ है बाय 1%। तो लास्ट 36 इयर्स में फर्स्ट टाइम की पावर डिमांड में मतलब जो कमी देखने को मिली है, सो इट्स अ इंपैक्ट, कंप्लीट इंपैक्ट ऑफ कोविड-19, तो उसके चलते इलेक्ट्रिसिटी में भी जैसे डिमांड की कमी आई है, राइट। अगेन फ्रेंड्स हम लोग यदि एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा पिछले वीक का देखे या मंथ ऑन मंथ बेसिस देखिए तो आपको समझ में आएगा दिस इज अ डेली ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ एफआईआई। तो भी जो लास्ट वीक था दैट इज मतलब कि 4 days मतलब उसके अंदर थे, एक हॉलीडे था, सो देखा जाए तो एफआईआई जो है वो मतलब बाइंग साइड में अच्छे खासे अग्रेसिव यहाँ पे दिखे हैं। पहले दो दिन उन्होंने बिकवाली की है, लेकिन जो बिकवाली है लास्ट वीक की पहले दो दिन की उसके कंपेरेटिव उनकी बाइंग काफी बढ़िया आई है, राइट। और ये डीआईएस को भी देखे तो डीआईएस ने चारों दिन मतलब अराउंड अपनी बाइंग ही जो बाइंग वाला नजरिया है, बाइंग वाली फंक्शनैलिटी है उनकी, तो वो डीआईएस के तरफ से बरकरार रखी गई है, उनका जो फेज है बाइंग का वो बरकरार रखा गया है। लेकिन यदि मंथ ऑन मंथ बेसिस इसको देखा जाए तो मंथ ऑन मंथ बेसिस एफआईआई फिलहाल सेलिंग के अंदर ही है, लेकिन राहत भरी बात यह है कि जितना सेलिंग मार्च के अंदर आया था उसके कंपैरेटिवली बहुत कम सेलिंग अभी करंट अप्रैल के अंदर आया है। और डीआईएस की मैं बात करूं तो जितनी बाइंग उन्होंने मार्च के अंदर की है तो काफी कम बाइंग उन्होंने मतलब अपनी द मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर की है। सो अभी नया मंथ आ रहा है, मई से मई की जो ट्रेडिंग है वो अभी स्टार्ट होगी, तो देखना काफी अहम होगा कि क्या बिहेवियर्स, क्या चेंजेस इनके अंदर आते हैं और ये कैसे फंक्शनिंग करते हैं। सो नाउ हम वी विल मूव टुवर्ड्स द चार्ट्स टेक्निकली, अभी विद प्राइस एक्शन कैसे आपको एक्शन इन अ मार्केट, कैसे सेटअप्स आपको इन अ मार्केट फाइंड करने हैं और उनमें कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो फ्रेंड्स दिस इज चार्ट ऑफ निफ्टी और निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यदि आप इसको देखोगे निफ्टी को तो मतलब जो फॉल डाउन निफ्टी के अंदर आया था, जो क्रिसिस निफ्टी के अंदर आया था, तो उसके बाद मतलब जो निफ्टी है, निफ्टी काफी अच्छा खासा अराउंड अभी 50% तक भी वो रिट्रेस कर रहा है। सो स्ट्रेंथ उसके अंदर काफी पॉजिटिव दिखाई दे रही है फिलहाल के लिए। अभी उसके लिए जो अहम है वो दैट इज 61.8%, तो अराउंड वो जो लेवल आ रहा है अभी एक 10,000 का भी लेवल जो है तो बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल उसके लिए आ रहा है। उसके बाद अभी उसको जो मेन रेजिस्टेंस है, मेन इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज ऑफ द मतलब कि 10,400 का। सो देखना होगा अभी वहां पे कैसे बिहेव करता है। ट्रेंड लाइन देखी जाए तो काफी बढ़िया ट्रेंड लाइन, काफी बढ़िया एज के साथ यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, बहुत बढ़िया तरीके से उछाल इसके अंदर आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है।
अभी इसको अगले हफ्ते के लिए हम लोगों को कैसे मतलब कि सेटअप फाइंड करने चाहिए वो भी हम लोग अभी देखते हैं। अगेन इसको एक बार वीकली भी देख ले तो वीकली भी आपके समझ में आ जाएगा कि अराउंड मतलब कि 7.70% से वो पिछले हफ्ते में अप हुआ है, चार ही ट्रेडिंग सेशंस उसके अंदर थे तो इतना बढ़िया तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन का मूव इसने दिखाया है। अभी अगले हफ्ते में फिर कैसे करना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट जोन्स उसके लिए है, तो दोस्तों ये वाला अभी जो जोन है जो कल बना था मतलब कि, तो ये जोन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा रिगार्डिंग ट्रेडिंग। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो और ज्यादा पॉजिटिविटी उसके अंदर आ सकती है, फिर वो 10,000 तक भी इजिली जा सकता है, और 10,000 को प्रॉपरली क्रॉस करे तो फिर 10,400 तक के भी टारगेट्स इसके अंदर आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा ये जो अभी गैप उसने क्रिएट किया है तो ये गैप भी उसको फिल करना होगा। तो संवाद यदि वो कल गैप डाउन खुल के मतलब थोड़ी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देके ये गैप तक आता है, ये गैप से वो कोई रिवर्सल मतलब सस्टेन भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ आने के बाद क्विक रिवर्स हो रहा है और ऊपर जा रहा है, सो दैट मस्ट नॉट बी द केस। पहले यहाँ पे यदि सस्टेन होगा, सस्टेन होने के बाद कोई रिवर्सल साइन आपको दिखाएगा तो डेफिनेटली यू मे गो फॉर द बाय, राइट। अगेन यदि इसको इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वो ब्रेक कर देगा और उसके बाद वो सस्टेन भी रहेगा और फिर ऊपर आएगा और यहां से कोई रिवर्सल चांस मतलब वो यदि दिखाएगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है, तो फिर आप उसको सेल करके चल सकते हो। क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहते हैं, इसके ऊपर जब अच्छा खासा क्लोजिंग देगा तो दैट विल बी योर स्टॉप लॉस। अगेन फिर इसके अंदर आप बाइंग सेटअप भी देख सकते हो, यदि वो ये वाले लेवल तक आता है यहां सस्टेन होके कोई रिवर्सल देगा तो इसके अंदर फिर बाइंग का भी सेटअप आपको मिल सकता है। अभी देखना अहम है बिकॉज ये जो डिस्टेंस हो रहा है ये डिस्टेंस अराउंड मतलब कि 600 पॉइंट्स तक का, 550 टू 600 पॉइंट्स तक का डिफरेंस इसके अंदर आ रहा है, तो बड़ा मूव इसके अंदर मतलब अभी तक हो चुका है। सो हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि वो थोड़ा सा साइडवेज जाए, वो थोड़ा सा जो एक्यूमुलेशन है वो एक्यूमुलेशन करे फिर अपना वो ट्रेंड डिसाइड करे। तो हम लोगों को तो उसके प्राइस बिहेवियर ही देखने हैं और अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड टू टेक अवर ट्रेडिंग डिसीजन। अगेन यदि बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी अपने अभी वीकली चार्ट में यदि दिखाओ बैंक निफ्टी का तो बैंक निफ्टी अराउंड 10% प्लस है, मतलब ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि 10% बैंक निफ्टी अप है ओके ऑन वीकली बेसिस। और फिर उसको यदि ऑन डेली बेसिस देखा जाए तो अभी वो अपने सबसे क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है, दैट इज 38.20%। तो अराउंड अभी 22,000 से ही वो थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिख रहा है, वहां से ही थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। सेम यदि यहां से रिवर्सल आएगा तो फिर बैंक निफ्टी में सेलिंग के लिए आप बिल्कुल जा सकते हो, राइट। अगेन फिर इसको अगले हफ्ते में कैसे ट्रेडिंग सेटअप्स इसके अंदर फाइंड करने हैं तो वो भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। सो अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए, अभी ऑन आवरली बेसिस ईएमए 200 के ऊपर वो निकल चुका है, तो अभी यहाँ पे दोस्तों जो मतलब इसकी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, एक तो ये गैप भी फिल करेगा प्लस यहाँ पे ईएमए 200 भी है जो इतना ब्रेकआउट और बहुत ऊपर जाने के बाद पहली बार उसे रिटेस्ट करने आ सकता है, तो हम लोगों को उसके ऊपर भी फोकस देना होगा। तो यहाँ आएगा, यहाँ पे यदि वो सस्टेन होगा और सस्टेन होने के बाद कोई रिवर्सल दिखाएगा तो डेफिनेटली वी गो फॉर बाइंग, और यहाँ से सस्टेन होकर यदि नीचे गिरेगा और नीचे सस्टेन होगा और फिर ऊपर आके रिवर्सल देगा तो वी विल गो फॉर सेलिंग, जो उसको ये वाले जोन तक 20,400 तक ला सकता है, राइट। अगेन यदि यहां से ही वो रिवर्स होता है, यहां से ही वो ऊपर जाता है और ये जोन के ऊपर सस्टेन होके तो वहां से फिर से एक नई बाइंग बैंक निफ्टी के अंदर आ सकती है, राइट। तो उम्मीद करता हूं आप भी ये दिए गए जोन्स और ये जो गैप फिलिंग वगैरह है और ये में 200 है इनको फोकस करोगे अगले हफ्ते, और मतलब वहां पे आप भी उनको फोकस करके फिर उनका यूटिलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट इनका करोगे, और आप भी मतलब लॉजिकली टेक्निकली सोच के प्राइस बिहेवियर को देख के अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।